हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम वोकैब के नेक्स्ट सेशन में कुछ वर्ड्स देखेंगे। देखिए, पहला वर्ड्स क्या है। पहला वर्ड है वेस्टिबुल, VESTIBULE। वेस्टिबुल्स मीन्स होता है एंटर होने का दरवाज़ा, या फिर एंटर होने की जो दरवाजे के आगे जगह होती है उसे कहते हैं वेस्टिबुल। जैसे हम जब मूवी हॉल में जाते हैं तो उस एंटर होने वाले दरवाजे से पहले इतनी ही जगह रहती है, तो उसे कहते हैं वेस्टिबुल। और इसका अपोजिट करें तो आ जाएगा एग्जिट डोर, बाहर निकलने का रास्ता। ये इसका अपोजिट है। तो वेस्टिबुल का सिनोनिम बोल सकते हैं एंट्रेंस हॉल या हॉल, जो भी एंट्रेंस करने का हॉल होता है वही होता है। नेक्स्ट देखिए, या फिर वेटिंग रूम बोल सकते हैं उसको, या पोर्च बोल सकते हैं, इंट्रेंस का रास्ता बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर टू एक्सपोजिटरी, EXPOSITORY। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ हो, डिस्क्राइब किया हुआ हो, उसे कहा जाता है एक्सपोजिटरी। जो बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब किया गया हो उसे कहा जाता है एक्सपोजिटरी। तो इंटेंट टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग, जो अच्छी तरह डिस्क्राइब किया होगा, एक्सप्लेन किया गया हो। इसके एग्जांपल के रूप में देखें तो एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइबिंग, इल्यूस्ट्रेटिव, इल्यूमिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए वर्ड, नेक्स्ट है प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है पहले से प्लान किया हुआ, और ये स्पेशली क्राइम और कोई बुरी चीज़ के लिए होता है। जैसे कोई क्राइम करना है किसी क्रिमिनल को, तो पहले से वो पूरी प्लानिंग करके रखता है, उसे ही कहा जाता है प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड जैसे प्रीमेडिटेटेड मर्डर, ये पहले से फिक्स किया हुआ मर्डर था, कि उन्होंने पहले से सोच रखा था कि इस तरह से ये काम ऐसे करना है, मर्डर करना है। प्रीमेडिटेटेड अटैक, पहले से प्लान किया हुआ अटैक। एक तो होता है एकदम से करना कोई काम, देखो इसका अपोजिट बोल सकते हैं आगे यू एन लगा देंगे तो अनप्रीमेडिटेटेड। अनप्रीमेडिटेटेड मतलब पहले से प्लान नहीं था, एकदम से किया गया वो काम। नेक्स्ट देखो अगला वर्ड है नेट ऑफ। नेट ऑफ का मतलब होता है जब आपके पास में कोई भी वैल्यू या मनी या वैल्यू बचता है। कब? जब पूरे के पूरे घाटे के बाद में, लॉस के बाद में, टैक्स के बाद में, या मूल्य का घट जाए मूल्य उसके बाद में। जैसे मान लो आपके पास में 100 रुपये थे, इसमें से आपके मान लो 3-4 प्रकार के खर्चे हैं। अब जो इन खर्चों में से निकाल के जो बचेगा, जैसे मान लो 10 रुपये बचते हैं, 90 रुपये अपने खर्च कर दिए, तो ये जो बच रहा है लास्ट में, यही क्या है, यही नेट ऑफ है। और नेट ऑफ के साथ में फ्रेज रहती नेट ऑफ अगेंस्ट। अगला है कि हेन की साउंड को क्या कहा जाता है। देखो हेन की साउंड को क्या कहते हैं, क्लक कहा जाता है, क्लक। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड देखा जा सकता है, 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो हेन की साउंड को क्या कहते हैं, क्लक, CLUCK। आगे देखो पिग की साउंड को क्या कहते हैं, पिग की साउंड को कहते हैं ओइंक, OINK। ओ इसके आगे इंक लगा दो, ओ के आगे इंक लगा दो, ओइंक कहते हैं, OINK, ओइंक। नेक्स्ट देखिए, जो डॉल्फिन होती है उनकी साउंड को क्या कहा जाता है, उनकी साउंड को कहा जाता है क्लिक। यहाँ देखो एक और वर्ड लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होती है एकदम शांति, बिल्कुल शांत माहौल, उसे कहा जाता है ट्रैंक्विलिटी। तो देखो डॉल्फिन की साउंड को क्लिक कहा जाता है, पिक की साउंड को ओइंग कहते हैं, हेन की साउंड को क्लक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपको इमेज में क्या दिख रहा है, बहुत तेज हवाएं या बहुत तेज एक तरह से तूफान दिख रहे हैं, तो बस बहुत तेज हवाओं से जिसको डर लगता है उसे ही कहा जाता है एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया
नेक्स्ट देखिए, आगे है कुत्तों से जिसको डर लगता है, जिस बंदे को कुत्तों से डर लगता है उसे कहा जाता है साइनोफोबिया। क्या कहते हैं? साइनोफोबिया। जबकि जिनको एनिमल से डर लगता है, किसी भी एनिमल से, तो उसे कहते हैं जूफोबिया। दोनों ध्यान रखिए, सारे के सारे एनिमल से डर लगता है, कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, जो भी है एनिमल, उन सभी से डर लगता है तब तो कहेंगे जूफोबिया, और केवल कुत्तों से डर लगता है तो कहते हैं साइनोफोबिया। देखो इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, यदि मैं वी ई और आई और एल ये चार वर्ड ले हूँ तो इनसे कितने प्रकार के वर्ड बन सकते हैं। इनसे देखो, इन्हीं फोर वर्ड को, इन्हीं फोर अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से रख के हम फोर वर्ड्स बना सकते हैं। पहला वर्ड है VEIL, वेल। दूसरा है LIVE, लाइव। तीसरा है EVIL, इविल। एंड फोर्थ है वाइल, VILE। इनमें VEIL इन्हीं चार वर्ड को लिया गया, इनके अलावा कोई सा भी अल्फाबेट नहीं लिया गया है। तो इन चार अल्फाबेट को लेके, इन चार वर्ड को लेके हम, इनसे हम चार वर्ड बना सकते हैं। देखो पहला तो लाइव, जीवन हो गया। इविल हो गया, जो बहुत ज़्यादा राक्षस हो। और VEIL, वेल। वेल क्या होता है? जो महिलाएं घूंघट, अपने मुंह को ढकने के लिए जिस कपड़े का यूज करती है उसे कहते हैं वेल। और वाइल होता है जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, बहुत ही ज़्यादा नेस्टी हो, बहुत ज़्यादा विकिड हो। अब देखो वाइल की इमेज है, ये जो वेल है, सॉरी वाइल नहीं, वेल, वेल की ये इमेज है। आगे देखिए, जैसे इस्लामिक वुमेन्स इस तरह से वेल का यूज करती है, जैसे स्याला, हिजब, हिजब अमीरा, खिमार, चादोर, निजाब, बुरका। तो इस तरह से जो कपड़े मुंह को ढकने के लिए जिस कपड़े का यूज करते हैं उसे ही कहा जाता है वेल, VEIL। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।